स्टूडेंट्स टू अवर टूडेज न्यू वीडियो। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड क्या है वो देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे और वो क्या फंक्शन प्ले करता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, ये हमारे पूरे बॉडी में मूव करते रहता है, रोटेट होता है, और ये क्या कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, हमारा वेस्ट कैरी करता है और इसे डिस्पोज करने का भी काम करता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो स्टूडेंट, ब्लड प्लाज्मा से बना है, और पूरा प्लाज्मा है 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा से बना है, और 45% है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और दूसरी कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा ब्लड 55% प्लाज्मा से है और 45% दूसरे कंपोनेंट है। तो हमारा जो ब्लड है स्टूडेंट्स, उसका पीएच मेंटेन होता है 7.4। उसका पीएच कितना रहता है स्टूडेंट्स, 7.4। और 7.4 पीएच मेंटेन करने में मदद करते हैं साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे ब्लड को पीएच मेंटेन करने में मदद करते हैं, एक बफरिंग करते हैं। ये साल्ट जो रहते हैं वो एक बफरिंग का काम करते हैं और हमारा पीएच मेंटेन करते हैं। और हमारे पूरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट, 5 लीटर। और ये 5 लीटर ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में। ब्लड क्या है, ओरिजिन ऑफ ब्लड है, ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से हुआ है स्टूडेंट्स। किससे, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ब्लड फॉर्म हुआ है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। 65% प्लाज्मा रहता है। और प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा है, अगर हमारा ये सब निकाल दिया जाए, 45% आरबीसी अगर निकाल दिया जाए, तो प्लाज्मा सिर्फ एक पेल येल्लो लिक्विड है। और प्लाज्मा प्रोटीन, हमारा पूरा ब्लड ये दो कंपोनेंट पर टिका हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा जो प्लाज्मा है, अगर हम हमारे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो आपको एक ऊपर सुपर नाइट्रन मिलता है जो येल्लो या व्हाइट कलर का होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और ये पूरे ब्लड का 55% हिस्सा लेता है। और प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है स्टूडेंट्स, वो दो कंपोनेंट से बना है। पहला है एल्बुमिन्स और दूसरा है ग्लोब्यूलिन्स। तो ये दोनों को अभी हम एक एक कर देखने वाले। पहले हम एल्बुमिन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एल्बुमिन्स। तो स्टूडेंट्स, एल्बुमिन का क्या फंक्शन है, एल्बुमिन क्या करता है, ये वाटर बैलेंस करने मदद करता है ब्लड के अंदर, वाटर बैलेंस इन द ब्लड। तो ये वाटर बैलेंस करता है ब्लड के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स को, और ये फॉर्म होता है हमारे लीवर से। एल्बुमिन का फॉर्मेशन किधर से है, लीवर से, और लीवर एल्बुमिन को सेक्रेट करता है और ब्लड में जाता है। और एल्बुमिन प्रोटीन वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, ऑस्मोसिटी ब्लड, ऑस्मोरेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स, वो है ग्लोब्यूलिन्स। और ग्लोब्यूलिन्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, और इसमें भी है α1, α2, β, γ ग्लोब्यूलिन। और स्टूडेंट्स, ग्लोब्यूलिन का बहुत सारा फंक्शन है, ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्लोब्यूलिन क्या फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लोब्यूलिन से फॉर्म होता है लिपोप्रोटीन। जब ये लिपिड से मिलते हैं तो ये लिपोप्रोटीन फॉर्म करते हैं। और हमारा यही टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है कि लिपोप्रोटीन कितने टाइप के है हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे ब्लड में लिपोप्रोटीन कितने टाइप के। और दो टाइप के लिपोप्रोटीन है स्टूडेंट्स हमारे ब्लड में, वो है HDL और LDL। तो ये दोनों क्या करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं बारे में। तो स्टूडेंट, इसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, वो हम LDL, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, LDL क्या करता है, LDL स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्टेरॉल को। ये ब्लड में
एलडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करता है, ये कैरी करता है। और एचडीएल का क्या काम है, एचडीएल इसी कोलेस्ट्रॉल को लीवर को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, लीवर को। और लीवर क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है बिलरुबिन में, और एनर्जी बनाने में या उसे बिलरुबिन में कन्वर्ट कर एक्सक्रीट कर देता है या दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर देता है। तो एचडीएल का क्या काम है स्टूडेंट, अच्छा काम है। यानी कि जब आप रिपोर्ट्स में देखते हैं कि एचडीएल बढ़ गया है, एलडीएल बढ़ गया है, तो इसका क्या रीजन है, क्योंकि एलडीएल बढ़ने पर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस किसके वजह से होता है, एलडीएल के वजह से होता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि ये कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है, और कोलेस्ट्रॉल कैरी करने के वजह से ये प्लैक्स फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्लैक्स फॉर्मेशन। जैसे कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर एलडीएल ज्यादा बढ़ गया तो ये यहाँ पर प्लैक्स फॉर्म करेगा, प्लैक्स। और यही प्लैक्स क्या करते हैं, आगे जाकर ब्लॉकेज कर देते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक होता है। और हाई एलडीएल के वजह से ही ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और एलडीएल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है लीवर को। तो हमारे बॉडी में एलडीएल का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए नॉर्मली 130 mg पर डेसीलीटर, और एलडीएल का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 40-30 mg पर डेसीलीटर। तो स्टूडेंट्स, तो आपके बॉडी में क्या ज्यादा है, एलडीएल ज्यादा है कि एचडीएल ज्यादा है? तो एचडीएल बेनिफिशियरी है और एलडीएल हार्मफुल है हमारे लिए। और जब भी हम वर्कआउट्स करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेकर जाता है, लीवर को दे देता है, और इसी वजह से एलडीएल से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है हमारे ब्लड से। तो ये थे हमारे ब्लड के कंपोनेंट, जिसमें हमने आज देखा प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, जिसमें अल्बुमिन देखा और ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा एचडीएल और एलडीएल, और दोनों में से क्या करते हैं, एचडीएल हमारा कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में कैरी करता है। और इसी कैरी करने की वजह से ये प्लाक फॉर्मेशन करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, यानी कि हार्ट अटैक करता है। मुझे आशा है कि आपका ब्लड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।